रमा पंचवाक की तरफ से एक कमेंट आया है। उन्होंने लिखा है कि आई मेड द कम्पोस्ट पाइल बट बिकॉज इट इज लिटिल वेट आई स्प्रेड इट ऑन प्लास्टिक शीट एंड सन ड्राइड इट। विल इट वर्क अगेन? हाउ टू लेयर अगेन ड्राइड कम्पोस्ट एंड रीएक्टिवेट इट। इसका मतलब ये है कि उन्होंने कम्पोस्ट पाइल बनाई है और थोड़ी वो गीली हो गई है, तो उन्होंने उसे प्लास्टिक शीट पर फैला दिया है और उसे धूप में सुखा दिया है। तो क्या ये फिर से काम करेगा और ड्राइड कंपोस्ट की लेयर फिर से कैसे बनाए और उसे रीएक्टिवेट कैसे करें? तो रमा जी, आपका ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, तो मैंने सोचा इसे दूसरों को भी हेल्प हो जाएगी तो इस पर क्यों ना वीडियो बनाई जाए। तो बने रहिए वीडियो में मेरे साथ, वीडियो के अंत तक। ऐसी ही तमाम तरह की जानकारियां आपको यहाँ मिलती रहती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मेघा और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में जिसका नाम है मेघाज ब्लॉसमिंग गार्डन। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम घर पर आसानी से किचन कंपोस्ट बना सकते हैं। हमें कंपोस्ट बनाने के लिए दो टाइप के पदार्थ की जरूरत होती है, एक तो कार्बन रिच यानी कि सूखा कचरा या जिसे हम ब्राउन्स कहते हैं, और नाइट्रोजन रिच यानी कि ग्रीन या गीला कचरा, और इनका रेशियो 2:1 में होना चाहिए। 2 पार्ट ब्राउन का होना चाहिए और 1 पार्ट ग्रीन का होना चाहिए। अगर इस रेशियो को फॉलो किया जाए तो कंपोस्ट बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन कभी कभी ये रेशियो हमसे जाने अनजाने बिगड़ जाता है। ज्यादातर हम इसमें गीला कचरा यानी कि किचन वेस्ट जो होता है वो ज्यादा ही डलता रहता है, क्योंकि हर रोज हमारे किचन से इतना वेस्ट निकलता रहता है सुबह शाम, तो हम उसे कंपोस्ट में ऐड करते रहते हैं और ब्राउन्स हमारे पास कम ही होता है, तो रेशियो इसका बिगड़ जाता है और कंपोस्ट में बदबू, कीड़े और अन्य तरह के प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। साथ में कंपोस्ट का जो टेम्परेचर होता है कंपोस्टिंग के लिए वो बिगड़ने लगता है और हमारा कंपोस्ट नहीं बनता है। अगर आपका कंपोस्ट वेट है, मतलब कि उसमें ग्रीन्स ज्यादा गए हैं ब्राउन के मुकाबले, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि जब भी हम अपने कंपोस्ट में गीला कचरा डालने के लिए लाएं, तो साथ में उसके 3 गुना सूखा कचरा भी लाएं, तभी हम कंपोस्ट में इन दोनों का रेशियो मेंटेन कर पाएंगे। सूखा कचरा जैसे कि सूखी पत्तियां, सूखी हुई टहनियां, लकड़ी का भूसा, ब्राउन पेपर या हमारे पास ऑनलाइन जो बॉक्स आते हैं उनके टुकड़े करके भी एज अ ब्राउन हम कंपोस्ट में ऐड कर सकते हैं। साथ में न्यूज़पेपर हमारे घर पर भी होते हैं तो उसके टुकड़े करके भी हम कंपोस्ट में ऐड कर सकते हैं। और ग्रीन यानी कि जिसमें नाइट्रोजन का प्रमाण बहुत ज्यादा होता है, जैसे कि हरी हरी घास, एक्सेल, सब्जी के छिलके या किचन वेस्ट, तो होता ही है। ये है कि फ्लैट सिस्टम हो तो ब्राउन्स मिलना जरा सा मुश्किल होता है, और वहीं अगर बड़ा गार्डन हो और पेड़ पौधे आसपास हो तो हमें काफी सारी सूखी पत्तियां मिल जाती है, तो इसे एक बोरी में जमा करके कंपोस्ट के पास ही रख सकते हैं। और जब भी कंपोस्ट में डालना हो तो तुरंत पहले सूखे पत्ते ऐड करें और उसके बाद ही किचन वेस्ट डाल सकते हैं, वो भी 2:1 के रेशियो में। और अगर सूखे पत्ते नहीं है तो जो भी उपलब्ध है जैसे कि कार्ड बॉक्स आते हैं तो उनको हम छोटा छोटा कट करके पीसेस में रख सकते हैं और इनकी लेयर बनाते जाए, बीच बीच में किचन कंपोस्ट ऐड कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कंपोस्ट पाइलिंग किस तरह से करें। अब आते हैं रमा जी की प्रॉब्लम की ओर। तो रमा जी, कंपोस्ट अगर बिगड़ जाए किसी भी स्टेज पर तो हम उसे ठीक कर सकते हैं, और हाँ बिल्कुल आप अपने ड्राइड कंपोस्ट को रीएक्टिवेट कर सकते हैं, लेकिन आपने जो सन ड्राई किया है उसकी वजह से क्या होता है कि गुड बैक्टीरिया जो होते हैं वो सारे मर जाते हैं। गुड बैक्टीरिया आपके कंपोस्ट को डिकम्पोजिशन प्रक्रिया में हेल्प करते हैं, जिसे एरोबिक डिकम्पोजिशन भी कहा जाता है। और कंपोस्ट अगर ज्यादा गीला हो जाए या इसमें से दुर्गंध आए तो उसमें खराब बैक्टीरिया पैदा हो रहे हैं जो कि कंपोस्ट को सड़ा देते हैं। तो कंपोस्ट के लिए हमें अच्छे बैक्टीरिया चाहिए, जो कि हम इसमें गुड़, छाछ या किसी बड़े पेड़ के नीचे की मिट्टी, इस तरह के कंपोनेंट्स ऐड करके हम गुड बैक्टीरिया कंपोस्ट में पैदा कर सकते हैं।
तो आप जो ये कंपोस्ट बनाएंगे इसमें माइक्रोबियल पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए कुछ दिन लग सकते हैं और उसके लिए हमें प्रॉपर नमी बनाए रखनी पड़ेगी। कंपोस्ट पाइल में इसके लिए फिर से हमें ग्रीन्स और ब्राउन्स का पाइल बनाना पड़ेगा। पाइल इसलिए बनाना पड़ेगा क्योंकि इसमें की माइक्रोबियल एक्टिविटी और हीट पूरी तरह से निकल गई है। कंपोस्ट बनने के लिए एक टेम्परेचर होता है जिससे कि डिकम्पोजिशन प्रक्रिया होती है और इसमें के सूक्ष्म जीवाणु भी खत्म हो चुके हैं। पाइलिंग अप करते वक्त इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि खाद का ढेर नम होना चाहिए, गीला नहीं। जैसे कि निचोड़ा हुआ स्पंज होता है, बस इतना ही गीला होना चाहिए। पाइलिंग करते वक्त उसे हवादार रखने का प्रयास करें। बहुत कम ऑक्सीजन की वजह से कंपोस्ट स्मेली सा हो जाता है। आप इसमें ब्राउन के तौर पर थोड़ी मिट्टी भी मिला सकते हैं क्योंकि मिट्टी में बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और केचुए होते हैं जो कार्बनिक पदार्थ को बहुत ही अच्छे से ब्रेक डाउन करते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि मिट्टी में पहले से ही कोई फंगस या कीड़ों का प्रभाव ना हो। अच्छा, इसमें बहुत सारी मिट्टी भी नहीं डालनी चाहिए क्योंकि कार्बनिक पदार्थ के साथ ये मिश्रित मिट्टी थोड़ी मात्रा में आवश्यक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बढ़ाने के लिए पर्याप्त होती है। बहुत ज्यादा मिट्टी खाद को भारी बना देती है जिससे वो एरिएशन और कंपोस्टिंग प्रक्रिया को प्रभावित करती है। तो मिट्टी बहुत ही कम मात्रा में यूज करना है। और एक बात का ध्यान रखना है कि आपका कंपोस्ट करने वाला ये यंत्र या कंटेनर वेल एरिएटेड हो, उसमें अच्छे से छेद होने चाहिए ताकि ऑक्सीजन अच्छे से पास हो सके। साथ में अगर कोई इसमें पानी जमा हो रहा है तो वो भी उसमें से निकल जाए, इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए। अगर कंपोस्ट गीला हो रहा है तो वह अपनी ओर कीड़ों को आकर्षित करते हैं क्योंकि ऐसी जगह ही कीड़े अच्छे से पनपते हैं। साथ में अभी बारिशों का मौसम भी आ रहा है तो कंपोस्टिंग का कंटेनर ऐसी जगह रखें जहां उस पर बारिश ना पड़े। अब जानते हैं कि इसकी लेयर कैसे लगाएं ड्राइड कंपोस्ट की और उसे रिएक्टिवेट कैसे करें। तो अभी ड्राइड कंपोस्ट की लेयर के लिए सबसे पहले इस ड्राइड कंपोस्ट को रिहाइड्रेट करें, यानी कि इसमें थोड़ा सा पानी का छिड़काव करें ताकि वह हल्का सा मॉइस्ट हो जाए। ज्यादा पानी मिलने से कंपोस्ट सॉगी बन सकता है, इसलिए पानी बहुत ही एहतियात से डालें, पानी बहुत ही थोड़ा उसमें ऐड करें और ऐसे जैसे कि हमने स्पंज में पानी डालकर उसे पूरी तरह से निचोड़ लिया हो, इतना ही कंपोस्ट गीला होना चाहिए। उसके बाद अच्छे से मिक्स कर ले ताकि मॉइस्चर डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो। अब इसकी लेयरिंग कैसे करें ये देखते हैं। सबसे पहले हम सूखी टहनियां या लकड़ियां उसे आड़ा टेढ़ा सबसे नीचे डालेंगे ताकि अगर कोई पानी जमा हो तो यहाँ से अच्छे से निकल जाए और ऑक्सीजन भी अच्छे से फ्लो होता रहे। इसके ऊपर हम थोड़ा सा कोकोपीट डालेंगे। इस कोकोपीट के ऊपर हम एक लेयर सूखा गाय का गोबर या वो न हो तो मिट्टी डालें जिसमें कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो। अब इस पर हम अपना ब्राउन मटेरियल ऐड करेंगे जैसे कि सूखी पत्तियां या फिर सूखी लकड़ी का भूसा या कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड को छोटे पीसेस में कट करके उसकी लेयरिंग या थोड़ी सी मिट्टी या फिर न्यूज़पेपर की कटिंग, छोटे छोटे टुकड़ों में कट किए हुए न्यूज़पेपर। उसके बाद हम ऐड करेंगे नाइट्रोजन या फिर ग्रीन मटेरियल जैसे कि आपका किचन वेस्ट। और तीसरी पाइल हम लगाएंगे या तीसरी लेयर हम लगाएंगे हमारा जो एग्जिस्टिंग कंपोस्ट है उसका पाइल अप करेंगे। उसमें आप थोड़ा सा तैयार खाद भी मिला सकते हैं ताकि इसमें थोड़े से बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिले। इस तरह से लेयर पर लेयर डालते चले और ब्राउन और ग्रीन का रेशियो 2:1 रखें। इसमें एरिएशन बढ़ाने के लिए कंपोस्ट को रेगुलरली हिलाते रहिए जिससे कि माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ती है और हर एक से दो हफ्ते में इसको ऊपर से नीचे हिलाते रहे। बीच बीच में सूखी हुई टहनियां भी डाल सकते हैं ताकि एयर पॉकेट बने रहे और ऑक्सीजन फ्लो प्रॉपरली हो। कंपोस्ट पाइल को मॉइस्ट रखें, मॉइस्चर लेवल को रेगुलरली चेक करते रहे और उसमें थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं अगर कंपोस्ट आपको ड्राई लगता है तो। लेकिन अगर कंपोस्ट गीला फील होता है और ज्यादा गीला हो गया है तो उसमें थोड़ा सूखा मटेरियल ऐड करें और मॉइस्चर को सोखने के लिए उसमें आप कोकोपीट भी डाल सकते हैं। और कैसे चेक करें कि कंपोस्ट ठीक से चल रहा है कि नहीं, तो हेल्दी कंपोस्ट पाइल धीरे धीरे गर्म होने लगता है जैसे जैसे माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ती है, तो इससे आपको पता लग जाएगा कि हाँ कंपोस्ट ठीक से जा रहा है।
और अगर पाइल में हीट नजर नहीं आ रही है तो उसमें ग्रीन पदार्थ और हल्का सा मॉइस्चर बढ़ा दे। डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए किचन वेस्ट को छोटे छोटे पीसेज में चॉप करें, तो इस तरह से प्रॉपर रिहाइड्रेट और लेयरिंग करके और ड्राइड कंपोस्ट की लेयरिंग करके आप अपने कंपोस्ट को रीएक्टिवेट कर सकते हैं और प्रोडक्टिव कंपोस्ट पाइल बना सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।